महाराष्ट्र में सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिसके चलते किसान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लगातार गिरते सोयाबीन के भाव के कारण किसान सरकार से काफी ज्यादा नाराज है। इस समस्या से निपटने के लिए यहाँ के पाटन तालुका के कुंभार गांव निवासी किसानों ने एक अनोखा फैसला किया है। परेशान किसानों ने सामूहिक रूप से ऐलान किया है कि जब तक सोयाबीन की कीमत 10,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से नहीं मिलेगी, तब तक वे सोयाबीन नहीं बेचेंगे। गांव के किसानों ने कहा है कि सोयाबीन का भंडारण करके रख लेंगे, लेकिन कम दाम में बिल्कुल भी नहीं देंगे। सोयाबीन का भाव पिछले महीने 10,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक था, लेकिन नई फसल आने एवं 12 लाख टन सोयाबीन केक को इंपोर्ट करने के फैसले से इसका दाम गिरकर 4,000 से 5,000 रुपए क्विंटल रह गया। ऐसे में किसानों ने अपनी उपज का सही दाम दिलाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का फल मिल सके। सोयाबीन की कीमतों में दिन प्रतिदिन उतार चढ़ाव हो रहा है। त्योहार नजदीक आने के साथ ही व्यापारियों को सोयाबीन की आवक बढ़ने का अनुमान है। हालांकि स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, कुंभार गांव के किसानों ने 10,000 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत मिलने तक सोयाबीन नहीं बेचने का फैसला किया है। कुंभार गांव के ज्यादातर किसान छोटी जोत वाले हैं, इसलिए उनके परिवार की आजीविका नकदी फसलों पर निर्भर करती है, जिसमें से मुख्य फसल सोयाबीन की कीमतों में गिरावट आ रही है। सीजन की शुरुआत में सोयाबीन की कीमत 10,000 रुपए थी, हालांकि ये दरें स्थिर नहीं रही और काफी नीचे आ गई। गांव के अधिकांश किसानों ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि यह प्रश्न उठता है कि यदि मुख्य फसल कम कीमत पर बेची जाए तो भविष्य में परिवार का पोषण कैसे हो पाएगा। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। सोयाबीन यहाँ की महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। यह फसल की कटाई अंतिम चरण में है, लेकिन सोयाबीन की सही कीमत नहीं मिलने से किसान अब भी मायूस है। किसानों का कहना है कि मौजूदा दर से उत्पादन लागत भी नहीं निकलेगी, इसलिए उन्होंने व्यापारियों का आह्वान किया है कि 10,000 रुपए का रेट होने से पहले वो गांव में फसल खरीदने ना आए। सीजन की शुरुआत में सोयाबीन की कीमत 11,000 रुपए क्विंटल थी, हालांकि इसके बाद कीमतों में गिरावट शुरू हो गई और ये अभी भी बनी हुई है। इस समय महाराष्ट्र की अलग अलग मंडियों में 3,851 से लेकर 5,650 रुपए तक इसका मॉडल प्राइस है। अहमदनगर मंडी में इसका मॉडल प्राइस 5,641, चंद्रपुर में 4,000 एवं वानी में 4,270 रुपए प्रति क्विंटल है। वीडियो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।